एक छोटा सा बदलाव भी बड़े सफलता का हिस्सा होता है। आज कन्या राशि के जीवन में अक्टूबर 2024 को हम जानने और समझने जा रहे हैं कौन से बदलाव होने जा रहे हैं, क्योंकि यही वो महीना है जहां पर शनि देव सद्भिषा नक्षत्र राहु के नक्षत्र पर प्रवेश करेंगे। ठीक 3 अक्टूबर का वो डेट होगा। 3 अक्टूबर को शनिदेव राहु के नक्षत्र पर परिवर्तन करते हैं, जो कि छठे भाव से अपना सप्तम भाव का प्रतिफल भी देंगे। कैरियर और बिजनेस के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय रहेगा, कारण कि शनि छठे भाव पर है, नौकरी का स्थान है और ये वक्री अवस्था पर चल रहे हैं, अर्थात आपको ज़्यादा मजबूती से प्रतिफल देंगे। कन्या राशि के योग कारक ग्रह हैं और जब ये राहु के नक्षत्र पर परिवर्तन करेंगे तो सप्तम से सप्तम भाव होने के कारण कैरियर में एक विशेष बुलंदी या विशेष ऊंचाइयों को प्राप्त करने का एक सुअवसर हमें मिलेगा। ये समय जो रहेगा 27 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा, इसलिए शनि का राहु के नक्षत्र पर परिवर्तित करना नौकरी और व्यापार दोनों के लिए अनुकूल सिद्ध होता है कन्या राशि के लिए। अगला परिवर्तन होता है 9 अक्टूबर को। 9 अक्टूबर को एक ऐसा परिवर्तन होगा जहां पर देव गुरु बृहस्पति, जो कि स्वयं आपके भाग्य भाव पर हैं, भाग्य भाव पर ही वो वक्री हो जाएंगे। माना जाता है कि वक्री अवस्था पर किसी ग्रह के पास प्रतिफल देने की कैपेबिलिटी काफ़ी अधिक बढ़ जाती है, अर्थात गुरु भाग्य भाव पर है, भाग्य उन्नति के दृष्टिकोण से एक मजबूत अवसर भी मुझे प्राप्त होता है गुरु के माध्यम से। और इसका ये प्रभाव सिर्फ ये अक्टूबर महीने ही नहीं बल्कि 4 फरवरी सन 2025 तक आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यही देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में चतुर्थेश भी हैं और साथ ही साथ इनका प्रभाव सप्तमेश भी है। तो सप्तम भाव आपके कैरियर, आपके बिजनेस का है, अर्थात उसमें कुछ परिवर्तन का योग भी बन सकता है। हो सकता है कि जो सिचुएशन अभी चल रहा है व्यापार को लेकर के या कार्य क्षेत्र को लेकर के, तो अब मेरा भाग्य मेरे सपोर्ट में है, बस तेरा सहारा काफ़ी है, दुनिया का सहारा क्या लेना, ये बात चरितार्थ होती है देव गुरु बृहस्पति के इस वक्रत्व अवस्था पर आने से। अगला प्रभाव आएगा ठीक 10 अक्टूबर को। आपके अपने राशि के स्वामी बुध ही एक ऐसे पोजीशन पर होंगे जहां पर ये आपकी राशि को तो छोड़ देंगे लेकिन ये प्रविष्ट हो जाएंगे ठीक आपके धन भाव पर। लगन के स्वामी का धन भाव पर जाना एक अच्छा गोचर होता है, अर्थात आर्थिक स्थिति भी 10 अक्टूबर से काफ़ी सुधार की स्थिति देखने को मिलेगी। कहीं से धन की प्राप्ति होना है, कोई धन मुझे देने वाला है, हो सकता है वो धन की प्राप्ति हो जाए, या कहाँ से धन की प्राप्ति होगी, मेरे कर्मों के द्वारा, मेरे कैरियर में। तो ऑलरेडी यहाँ पर सप्तम भाव सबसे ज़्यादा प्रभावित है, भाग्य का सपोर्ट तो आपको मिलता ही है, इसलिए भाग्य और धन दोनों का समावेश काफ़ी मजबूती से इस अक्टूबर के महीने में दृष्टिगोचर होगा। इसके बाद अगला परिवर्तन जानिएगा और वो परिवर्तन होगा ठीक 13 अक्टूबर को। एक ऐसा परिवर्तन है जो आपके भाग्य के स्वामी शुक्र बनते हैं और साथ ही साथ यही शुक्रदेव आपके धन के मालिक भी हैं। अब धन भाव को ये शुक्र छोड़ जाएंगे, आपके अपने राशि का सपोर्ट मिल जाएगा, शुक्र एक घर आगे प्रविष्ट हो जाएंगे। कुछ ऐसे यात्राएं हो सकती हैं जो धन को लेकर के करनी पड़ जाए, कुछ ऐसे यात्राएं हो सकती हैं जो भाग्य उन्नति के लिए अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के मुझे करनी पड़ जाए, कुछ कौटुंबिक स्थिति के कारण भी या पारिवारिक जन एक संग मिल करके किसी यात्रा में संलग्न हो सकते हैं। क्योंकि शुक्र पैसा है, तीसरा घर स्थान प्राप्त है इन्हें, इसलिए कोई एग्रीमेंट भी हो सकता है इस महीने, जहां पर यदि आप पहले से कोई एग्रीमेंट करना चाहते हैं पैसों के लेन देन को लेकर के या किसी नवीनीकरण किसी काम को लेकर के, यहां वो स्वाभाविक है, शुक्र आपके योग कारक है, वहां पर भी आपको प्रसन्नता की प्राप्ति देखने को मिलेगी। छोटे भाई बहनों से इस समय पर धन की प्राप्ति या उनके जीवन में भी इस समय पर मिठास कायम होगा, क्योंकि शुक्र का दूसरा नाम ही मिठास है। अब यही शुक्र चूंकि भाग्य के मालिक हैं, अब जैसे ही ये यहाँ पर पहुँचेंगे, तीसरे घर पर पहुँचेंगे, इनकी जो दृष्टि पड़ेगी सप्तम दृष्टि, वो नवम भाव पर ही पड़ेगी, अर्थात नवम भाव भाग्य का स्थान होता है, सबसे ज़्यादा मजबूत वो स्थान हो गया, अर्थात किस्मत का सपोर्ट मुझे मिल गया। और कहाँ से, तो मेरे अपने परिश्रम से, मेरे अपने पारिवारिक जनों के माध्यम से, क्योंकि परिवार भाव के स्वामी हैं ये, आपके कुटुंब भाव के स्वामी हैं। अब अगला जो परिवर्तन आएगा इसी महीने के 17 तारीख को, देखिएगा इस दिन 17 अक्टूबर को सूर्य नीच के हो जा रहे हैं।
अब यहाँ थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। कारण इसका यह है कि 12वें घर के स्वामी हैं और ये नीच हो जाएंगे आपके धन भाव पर। तो एक तरफ तो धन के दृष्टिकोण को अच्छा बना दिए आपके लगन के स्वामी, आपके राशि के स्वामी, लेकिन 12वें घर के स्वामी आ रहे हैं, मतलब खर्च भाव के स्वामी धन भाव पर आएंगे, तो कोई नया खर्चे का अवसर बन सकता है। इसके लिए ध्यान देना होगा, हमें भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पण करना नहीं भूलना है। यदि उनको जल देना है, उनको प्रणाम करना है, उनके मंत्रों का जाप करना एक अनुकूल परिस्थितियों को जन्म देगा, अर्थात नकारात्मक खर्च नहीं होंगे, कोई आवश्यक कार्य है वहाँ मेरे खर्च होंगे। इसके बाद अगला चेंज आएगा 20 तारीख को। जैसे 20 अक्टूबर का डेट आता है, मंगल भी यहाँ पर नीच अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे, इसमें भी हमको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। और वो होगा, मंगल इस समय पर चल रहे हैं आपके दशम भाव पर, कैरियर के भाव पर चल रहे हैं, अब ये इनकम के भाव पर प्रविष्ट हो जाएंगे 20 अक्टूबर से। अब जैसे ये इनकम भाव पर जाएंगे, देखिए प्लेसमेंट तो अच्छा हो गया भाई, मंगल वहाँ जा रहे हैं, मंगल मतलब आपकी एनर्जी वहाँ जा रही है, आप लाभ प्राप्ति के लिए बहुत मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, कोई बड़ा अर्थ लाभ भी आपको निकाल करके मंगल दे जाएंगे। लेकिन चूंकि मंगल नीच के हो रहे हैं, तो हमको ये भी ध्यान देना होगा अपने बड़े भाई बहनों के रिलेशन को लेकर के, हमें ये भी ध्यान देना होगा कि एकादश भाव मेरी इच्छाओं की पूर्ति का है, तो इस समय पर ज़्यादा इच्छाएं हमारी बढ़ सकती हैं, तो यदि जो आवश्यक इच्छाएं हैं उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए उस पर काम करने की आवश्यकता है, और जो इच्छाएँ ऐसी हैं कि आवश्यकता नहीं है अभी टाला जा सकता है तो टाल देंगे उसे, क्योंकि मंगल यहाँ नीच का हो रहा है। चूँकि यही मंगल अष्टम के स्वामी है, रुकावट के स्वामी है, तो कोई बड़ा धन लाभ में कोई रुकावट यदि पहले से चल रहा है तो हो सकता है वहाँ कोई बदलाव आ जाए, कोई परिवर्तन आ जाए, क्योंकि अष्टम भाव बदलाव का है, परिवर्तन का है, हो सकता है कोई बड़े अर्थ लाभ की संभावना भी यहाँ बन जाए, परंतु कुछ परेशानियों के बाद। मंगल के उपाय के लिए हनुमान जी पर लाल रंग का सिंदूर अर्पण कीजिएगा। हनुमान को खुश करना आसान होता है, सिंदूर चढ़ाने से सब काम होता है, अर्थात हनुमान जी पर सिंदूर अर्पण कीजिएगा, मंगल आपको एक शुभ परिणाम देकर के जाएंगे, जो कि बड़े लाभ के अवसर में उसे परिवर्तित करा सकते हैं। इस महीने को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए गुड़ और रोटी गौ माता को निरंतर ग्रास जरूर कराइएगा। कारण यह है कि गुड़ और रोटी दोनों ही मंगल और सूर्य के तत्व माने गए हैं, उनकी सामग्री हैं, इनको जब गौ माता को खिलाया अर्थात वहाँ से मुझे कृपा मिली, 33 कोटि देवी देवताओं का निवास गौ माता में स्थित होता है, वहाँ से मुझे लाभ मिला, वहाँ से मुझे कृपा मिली। दूसरा, हनुमान जी में सिंदूर चढ़ाना, भगवान सूर्य को जल अर्पण करना या प्रणाम करना इस महीने को सर्वश्रेष्ठ महीना सिद्ध करा सकता है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।